आरव यहाँ सोकर उठ चुका है और वो हमको हमसे कुछ बातें कर रहा था। आप बोलिए गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं? हम बोले थे ना कि हम कल मिलेंगे, बोले ना हम कल मिलेंगे। तो लीजिए हम आ गए। लीजिए हम आ गए। वेलकम मेरे चैनल में। वेलकम मेरे चैनल में। देखिए ये बच्चा को, ये बच्चा पूछता है कि हम क्यों फोटो खींचते रहते हैं। और ये बच्चा भी। और अभी आरव ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहा है। देखिए जब हम उसका कंघी करते हैं तो वो सर को कैसे करता है, ये बहुत बदमाशी करता है। कभी इधर करेगा कभी उधर करेगा। चलो बैग कहाँ है तुम्हारा बैग? और टोपी? बाय कर दो। बाय 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 बाय। और देखिए यहाँ आरव मम्मी के साथ आराम से ट्यूशन जा रहा है और वो चला गया, तो हम सोचे चलो हम कुछ काम कर लेते हैं। तो ये बेडशीट बहुत गंदी हो गई थी तो इसको मैंने चेंज करना स्टार्ट किया। ये जो कोने की साइड में बेडशीट है ना, ये दबाने में बहुत मुश्किल होती है इस साइड में। इसको ना हमें गद्दे को खींच के और बाहर करके तब दबा के उसको सेट करना पड़ता है। और यहाँ बेडशीट चेंज करने के बाद हम आरव को लेके आए पढ़ाने के लिए, तो देखिए वो कैसे आप लोगों के सामने कैमरे को देख के कर रहा है। और ये है उसकी कॉपी की हालत, वही हम आपको दिखा रहे थे, दो टुकड़ों में कर चुका है उसको। अभी हम इसका होमवर्क कंप्लीट करा ही रहे थे तब तक ये है बोले कि बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दो। तो मैं इनके लिए ये जो चिप्स हम काट के रखे हैं उसको फ्राई करके इनके लिए लेके गई। ये चिप्स हम लोग घर में बनाए हैं, होली के टाइम में बनाते हैं, थोड़े से बच गए थे बस आज लास्ट था। इसको हम छान के और इस पर थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं और लेके जाएंगे इनके पास। यारों को अभी पढ़ा रहे हैं। देखिए चिप्स देख के आरो कैसे करेगा। और ये चिप्स देख के हम जाएंगे आलू के पराठे बनाने, तो चलिए बनाते हैं हम आलू के पराठे। ये कढ़ाई हम गरम कर रहे हैं, आलू हमने पहले ही से बॉयल करके रख लिए थे। और इसमें हम डाल देंगे तेल। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें ये कटे हुए बारीक कटा हुआ प्याज और हरा मिर्च को डाल देंगे। पहले से ही हम दो तेज पत्ते डाल चुके थे, उसके बाद हमने ये प्याज फ्राई करने के लिए डाला। और ये प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे प्याज और हरी मिर्च को। और जब ये मतलब ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें हम मसाले सूखे मसाले ऐड कर लेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये हल्दी पाउडर। इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला एक चम्मच के करीब में, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम मिक्स कर लिए। और इधर ये थोड़े से बिना मसाले के आलू मैंने निकाल लिए और ये धनिया पत्ती कट करके रखी है। ये आलू बाबू के लिए निकाले, वो तीखा नहीं खाता ना, तो उसके लिए ऐसे बस नमक डाल के इसमें और उसका पराठा बना देंगे। इधर देखिए मेरा मसाला भुना रहा है। जब ये मसाला तेल छोड़ दे भूनते भूनते हल्का स्लो आंच पे ढक ढक के भूनिएगा तो बहुत अच्छा मसाला भुनता है। देखिए मेरा मसाला तेल छोड़ दिया है। जब ये ऐसे मतलब तेल निकल जाए तो इसमें हम मिक्स कर देंगे आलू, बॉयल आलू। इसको अच्छे से मिलाते हुए हम चलाएंगे। जब ये मसाला अच्छे से मिल जाएगा तो इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। नमक का हमसे मिस हो गया था। और ये मसाला भुनने के बाद इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे एक चम्मच, उसके बाद ऊपर से ये धनिया पत्ती। हमारा आलू पराठा का मसाला तैयार है।
इसके बाद हम आटे की छोटी 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 लोई बना के उसमें ये थोड़े थोड़े मसाले भर के, आप मतलब जैसा खाते हो भर के, और इसको रोटी जैसा बेल लेंगे और इसको तवे पे आप तेल लगाए या घी लगाए वो आपकी मर्जी, उसको लगा के हम सेक लेंगे। देखिए हम यहाँ पे घी लगा रहे हैं, वीडियो को हम थोड़ा फास्ट कर दिया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। देखिए मेरा आलू का पराठा रेडी। तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में नए रेसिपी के साथ।